हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम दो आर्ट बनाने वाले हैं यूजिंग अ मैक्रेम थ्रेड वूल एंड एम्ब्रॉयडरी हुप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का क्लोथ लिया है और उसे हुप में अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद आप चाहें तो प्लेट की हेल्प से या फिर मेरे पास यहाँ छोटा हुप है उसकी हेल्प से मैं पेंसिल से मार्किंग करूंगी। अब उतनी ही लेंथ का थ्रेड कट कर लेंगे और उस पर वूल को रैप कर लेंगे। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप फर्स्ट रोप को कट करिए, उस पर वूल को रैप कर लीजिए और उसके बाद उसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लीजिए। अब उसके नीचे सेकंड रोप को रख करके उसकी लेंथ चेक करिए, फिर कट करिए। इसी तरह आपको सारे रोप कट करने हैं सो दैट कि कोई वेस्टेज ना हो। अब हम थ्रेड के नॉट को खोल देंगे। आप चाहे तो सुई की हेल्प से इसे और बारीक से खोल सकते हैं। और अभी बोहो रेनबो वॉल हैंगिंग तैयार है। सेकेंड वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हम वूल की हेल्प से एक लीफ का शेप क्रिएट करेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरे पास जो वूल है वो काइंड ऑफ फ्लफी वूल है। आप चाहें तो इसकी जगह मैक्रेम थ्रेड भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं जो अलग अलग कलर्स के आते हैं। अब एक कॉम की हेल्प से वूल को ब्रश करें और लीफ के शेप का कट कर लें। लीव बनाने के बाद मैंने उसे एक दिन के लिए कॉपी में बंद करके रख दिया है। ये फैब्रिक मेरी एक ओल्ड साड़ी का है। आप चाहें तो आजकल की टी शर्ट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
वन मोर टिप आई वॉन्ट टू गिव कि लीफ की स्ट्रक्चर को और फर्म बनाने के लिए आप इसके पीछे एक पेपर स्टिक कर लीजिए, सो दैट कि वो इसके स्ट्रक्चर को होल्ड करके अच्छे से रखेगा। मैंने 2:1 के रेशियो में फेविकॉल एंड वाटर यूज़ किया है और उसे ब्रश के हेल्प से पेपर पे लगाया है। अब आप देख सकते हैं कि लीफ का शेप कितना अच्छा आया है और अब उसका शेप बना भी रहेगा। अगर आप अपने लिविंग रूम और बेडरूम को एक बोहो टच देने की सोच रहे हैं तो ये DIY ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।